अगर आप भी स्प्राउट्स बाहर से खरीद कर खाते हो ना, तो आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आपको मार्केट से कभी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हो बिना स्प्राउट्स लेकर के भी। तो यहाँ मैंने ले लिया है ग्रीन मूंग दाल और उसमें पानी डाल दिया है उसको अच्छे से वॉश करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी पानी चेंज करके, एंड उसको अच्छे से रब करके क्लीन करना है ताकि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं ना वो उसमें से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने दाल को 3 से 4 बार अच्छे से क्लीन पानी से वॉश करने के बाद यहाँ पर फिर से डाल दिया है क्लीन वाटर, और इसको मैं कवर करके ना 8 to 12 hours के लिए सोक करके रख दूंगी। लाइक आप इसको ओवरनाइट रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको सोक करके रख दिया है, तो पूरी रात में ना जब ये अच्छे से डिप हो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप चेक करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको फूले हुए, और पानी में भी ना हल्का सा फोर्थ नजर आएगा, लाइक थोड़ी झाग नजर आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, यहाँ पर हमें इस पानी को डिस्कार्ड कर देना है, और इस मूंग को छन्नी में डालने के बाद हम इसको एक बार क्लीन वाटर से फिर से वॉश कर लेंगे। एक बार और क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद यहाँ पर हमारे मूंग रेडी हो चुके हैं स्प्राउट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल, इसमें आप ले लेना एक कॉटन का कपड़ा, आप हैंकी भी ले सकते हो, कोई भी प्योर कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हो उसको टाई करने के लिए। यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया है मूंग दाल, और बस इसको अब मैं टाई कर अच्छे से एक पोटली सी बनाकर मैं इसको रख दूंगी। अगर आपके पास स्प्राउट्स मेकर है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। यहाँ मैंने ले लिया है कैस्ट्रॉल, उसमें मैंने डाल दिया है अपना स्प्राउट्स मूंग का जो मैंने पोटली बनाकर रेडी करी है, और इसको हमने रख दिया था 8 to 10 hours। लाइक मैंने मॉर्निंग में इसको रखा था और नाइट में जब मैंने चेक किया तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा था, जो कि स्प्राउट्स हो चुके हैं, बट मुझे और भी ज़्यादा स्प्राउटेड चाहिए था तो मैंने इसको फिर से टाई कर रख दिया नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको चेक किया था ना, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है इसमें और जो रात को था उसमें। हालांकि रात वाला भी आप रेडी हो चुका था, आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पसंद के मूंग बनकर रेडी हो चुके हैं, स्प्राउट्स रेडी हैं। तो अब इसको मैं स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बॉक्स और उसमें मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा एक ग्लास बोल अगर आप यूज़ कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, साथ में टिशू आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया था इस बॉक्स में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे ही कंज्यूम करना है, तो मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। और इस तरह से ना ये कपड़े में भी बिल्कुल लग जाते हैं सीड्स की तरह, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है ये, आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इजीली और झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं, इसको आप 3 to 4 days तक कंज्यूम कर सकते हो। तो देखिए कितने आसानी से बनकर हमारे स्प्राउट्स रेडी भी हो गए हैं। इन्जॉय न्यू रेसिपीज़।